सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू द पैसिफिक ड्राइव गेम प्ले वीडियो। सो यार, ये पैसिफिक ड्राइव गेम का सेकंड पार्ट होने वाला है। जिस जिसने भी अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगा। जाओ फर्स्ट पार्ट देखो, एंजॉय करो, तभी सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। सो गाइज यार, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा ही होगा कि यार अपन ने कार को पार्किंग में खड़ा कर दिया था। इसको थोड़ा बहुत चलने लायक अपन ने रिपेयर कर दिया है, इसमें नए टायर्स लगा दिए हैं, ऑलमोस्ट सब सेट है। अब अपने को इसके अंदर थोड़ा सा सामान रखना है, जैसे कि वुडन बॉक्स। तो फटाफट से बॉक्स रखते हैं और गाइज यार यहाँ से फटाफट से एस्केप करते हैं। सो ओके यार, अभी एक लास्ट बॉक्स बचा हुआ है जो फ्रंट सीट पर आएगा और ये भी अपन ने प्लान कर दिया है। तो फटाफट से गेट को करते हैं बंद और गाइज यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। सो ओके यार, फाइनली मैं फ्रंट सीट पर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका हूँ और एक बार अपन इसमें मैप में कुछ देख लेते हैं। यार यहाँ पे शायद अपने को ये डेस्टिनेशन बताएगा कि यहाँ से आगे अपने को कहाँ जाना है। पर एक सेकेंड यार, ये ब्लूप्रिंट मांग रहा है फटाफट। ओके गाइस, अपने को सामने ब्लूप्रिंट दिख रहा है तो ये फटाफट से ब्लूप्रिंट उठाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, पर फिर भी उठा लेते हैं, काम आएगा रास्ते में, यही बताएंगे अब क्या काम आएगा। चलो अपन ने फाइनली ब्लूप्रिंट्स को उठा लिए। ओके, अपने को फ्यूल फिल करना है और ये रहा निडल, यहाँ से अपने को इस पंप से फ्यूल को फिलअप करना है। हाँ यार गाइस, फ्यूल फिलअप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यार अपने पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है और उस केन में आधा तो फ्यूल अपने गाड़ी में फिलअप कर दिया था। यार यहाँ पे फ्री का मिल रहा है तो चलो फिलअप कर लेते हैं। ओके गाइज, अभी फ्यूल गाड़ी में फिलअप हो रहा है, तब तक के लिए अपने को थोड़ा सा वेट करना होगा। ऑल राइट गाइज, अभी अपने फ्यूल को फिलअप कर दिया है और इस पंप को अपन यहाँ पर वापस लगा रहे हैं और यहाँ से गाइज अब एस्केप करते हैं। और भी कुछ बच गया क्या यार, कितना कुछ बचा यार यहाँ पर करना। ओके गाइज, अभी ये बोल रहे हैं थ्रो द स्विच टू चार्ज द बैटरी, अपने को स्विच को थ्रो करना है ताकि बैटरी चार्ज हो सके। तो ओके, ये रहा स्विच और इसको अपन ने कर दिया है, बैटरी भी चार्ज हो चुकी है शायद। और अब ये बोल रहा है अपने को मैप से डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है। ओके, शायद वो सामने जो एक येल्लो मार्क आ रहा है गाइज, इस पे से अपने को जाना है और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है। ओके, ये रहा मैप और यही है क्या। चलो इस पे से डेस्टिनेशन हमने फाइनली सेलेक्ट कर ली है। नाउ गाइज, इट्स टाइम टू, ऑल राइट गाइज, अभी मैं गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ और इट्स टाइम टू लीव द जंगल गाइज। अपन अब जंगल छोड़ने वाले हैं मेरे ध्यान से, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि अपन ने मैप में जगह मार्क कर ली। फटाफट से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गियर लगाते हैं और गाइज निकलते हैं यहाँ से। गाइज यार, बाहर आने का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बारिश वारिश का सीन है यार, पता नहीं क्या कैसा होगा। तो अपने को बस उस येलो मार्क की साइड चलना है और वैसे अपन ने लोकेशन भी मार्क कर ली है तो कोई नहीं, अपन टाइम से पहुंच जाएंगे। और गाइज, वी आर फाइनली ऑन द रोड टू एस्केप द जंगल गाइज। अपन इस येलो मार्क की साइड चल तो रहे हैं, देखते हैं ये अपने को कहां पर लेकर जाता है। तो गाइज फटाफट से गाड़ी को चलाते रहते हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पर वापस मैप सेलेक्ट करने को बोल रही है, तो चलो फटाफट से मैप को वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ट्रैवलिंग आ चुका है गाइज, अब अपन जा रहे हैं कोई भी नई सिटी में जाएंगे। सो ओके गाइज, अपन किसी और जगह पर पहुंच तो चुके हैं, पर मेरे को लगा था आगे का मौसम सही मिलेगा, पर यहाँ पे तो बारिश के साथ भाई तूफान भी आ रहा है भाई। और क्या क्या देखना बाकी है जंगल में यार, कितना कुछ तो दिखा दिया यार इसने। चलो कोई नहीं, अपने को तो गाड़ी चलाते रहना है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि स्कैन है प्लाज्मा जनरेटर, अपने को प्लाज्मा जनरेटर को स्कैन करना है, वो कहाँ पर मिलेगा अब अपने को। एक सेकेंड यार, वहाँ पर कुछ चमक रहा है, ब्लू कलर में कुछ चमक रहा है, एक सेकेंड, यही है क्या प्लाज्मा जनरेटर। एक सेकंड गाइस, गाड़ी को ऑफ करते हैं और बाहर निकल के देखते हैं कि वही है क्या प्लाज्मा जनरेटर। और गाइस देखो, तुम्हारे भाई को है ना आदत हो चुकी है गाड़ी को बंद करने की, क्योंकि ये गाड़ी है ना पीछे चली जाती है मतलब। तो गाइस फटाफट से देखते हैं कि यही है क्या प्लाज्मा जनरेटर। ओके गाइस, यही है प्लाज्मा जनरेटर, अपने को इसको स्कैन करना है, तो फटाफट से इसको स्कैन कर लेते हैं। ओके गाइस, ये अपने को बोल रहा है कि अपने को एक इम्पैक्ट हैमर बनाना होगा इसको तोड़ने के लिए। अपने पास और कोई औजार नहीं है क्या इसको तोड़ने के लिए, अपने को इम्पैक्ट हैमर बनाना ही होगा क्या। चलो गाइज, इम्पैक्ट हैमर भी बनाते हैं फटाफट से, देखते हैं उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना होगा इम्पैक्ट हैमर के लिए। तो गाइज अपन यहाँ पर ढूंढते हैं। ओ गाइज, मेरे को पीछे की स्क्रैप कार दिख रही है, अपने को क्या लगता है कि उसमें से अपने को मिल सकता है क्या कुछ। अपने को यार वहाँ से कुछ मिल तो सकता है, पर ये बोल रहा है ओपन हेडसेट ओएस, हेडसेट क्यों ओपन करना है अब अपने को। प्लेयर वगैरह का भी मेरे को लग रहा नहीं है यहाँ पर कुछ काम है, क्योंकि गाड़ी की लाइफ मोर देन इनफ है। तो इस क्रोबार से तोड़ दे क्या, नहीं नहीं गाइज, अपने पास है ऑलरेडी कुछ है अपने पास इसको तोड़ने के लिए। ओके गाइज, इसे अपन इसको तोड़ देते हैं। ओके, अपने को यहाँ से काफ़ी कुछ सामान मिल चुका है, तो फटाफट से इनको पिकअप करते हैं।
इसको भी तोड़ देते हैं। मैं भाई मेरे को लग रहा है मैं ये पूरी गाड़ी तोड़ दूंगा अब। भाई मेरे को बहुत सारा सामान चाहिए, मेरे को ये पूरी गाड़ी तोड़नी पड़ेगी। तो गाइस फटाफट से तोड़ के इम्पैक्ट हैमर को तैयार कर लेते हैं। ओके गाइस गाड़ी को तोड़ते तोड़ते हो चुकी है सुबह, बारिश आंधी तूफान सब रुक चुका है गाइस। अब अपने को यार प्रॉपर सामान तो नहीं मिला यार इस गाड़ी से, अपने को यार और जगह पे ढूंढना पड़ेगा। तो यार फटाफट से मैं एक बार अपने बैकपैक में चेक कर लेता हूँ कि मोर देन इनफ सामान है नहीं। यार गाइस अपने को अभी भी बहुत चीज़ें इकट्ठी करनी है। तो यार गाइस मेरे को सामने है ना ये घर दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार इसमें से कुछ अच्छा मिल जाए। तो यार फटाफट जाके इस घर को एक बार अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक अलमारी है, ओके अलमारी खोली, यहाँ से कुछ बॉटल्स मिल रही हैं अपने को। ओके बॉटल्स वगैरह मिल रही है, और यहाँ से और भी कुछ है क्या? नहीं यार गाइज मेरे को लग रहा है कि अब अपना सामान फुल हो चुका है। अब अपने को कार में से जो अपन ने बॉक्सेस रखे थे ना, अपने को उससे इम्पैक्ट हैमर बन जाएगा अपना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे इम्पैक्ट हैमर बन जाएगा। ओके गाइज फाइनली अपने पास क्राफ्ट करने का सामान आ चुका है, और अपन ने इम्पैक्ट हैमर को क्राफ्ट कर लिया है फाइनली गाइज अपने हाथ में इम्पैक्ट हैमर। ओके इम्पैक्ट हैमर यार ये कुछ अलग नहीं लग रहा। चलो इससे फटाफट से इस प्लाज्मा जनरेटर को तोड़ के देखते हैं। अपने को 5 प्लाज्मा जनरेटर कलेक्ट करने हैं, और इसमें से कितने हैं यहाँ पे 2 प्लाज्मा जनरेटर गाइज यहाँ पर रखे हुए हैं। तो फटाफट से उनको भी कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ स्क्रैप मिला है अपने को, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइज फटाफट से अपन चल के अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं अगले प्लाज्मा जनरेटर की खोज में। चलो गाइज यहाँ से तो अपने को निकलना है क्योंकि अपना यहाँ पर काम हो चुका है, यहाँ पर और कोई प्लाज्मा जनरेटर मेरे को नहीं दिख रहा है। तो फटाफट से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गियर लगाते हैं और आगे निकल जाते हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ पे इसी रास्ते पे अपने को आगे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल सकता है। तो फटाफट से आगे चल के देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। और भाई ये रास्ता तो यार मेरे को पूरा खाली लग रहा है, तो उस पर तो आगे चल के देखना ही पड़ेगा आगे क्या है। गाइस पर एक बात है यार, गेम वालों ने डिटेलिंग काफ़ी हद तक दे दी है। और गाइस सामने मेरे को कुछ दिख रहा है, टावर वगैरह दिख रहा है मेरे को। गाइस मेरे को ये टावर थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं गाड़ी को पहले ही खड़ा कर लेता हूँ और फटाफट से जाके वहाँ पे मेरे को नीचे ना प्लाज्मा जनरेटर दिख रहे हैं। गाइस मैं फटाफट से जाके उस प्लाज्मा जनरेटर को तोड़ दूँ क्या? ये मेरे को कोई हार्म तो नहीं करेगा ना, मैं फटाफट से अगर तोड़ दूँ तो। चलो गाइस अब तोड़ ही देते हैं। सो ऑल राइट गाइस अभी मैं इस टावर की साइड बढ़ रहा हूँ गाइस, पर इसकी बिजलियाँ मेरे को लग रहा है कि मेरे को लग रही है मेरी हेल्थ ऊपर से कम हो रही है। तो गाइस फटाफट से मैं इस प्लाज्मा जनरेटर को तोड़ता हूँ। ओके गाइस मेरे को लग रहा था मेरी हेल्थ कम हो रही है, फटाफट से मेरे को कलेक्ट करने हैं। ओके गाइस मैंने कलेक्ट कर लिया, और फटाफट से एक दो और हैं यहाँ पे गाइस, 2 प्लाज्मा जनरेटर और हैं यहाँ पर। पर गाइस यार अपने को दोनों को तोड़ने की कोई इतनी खास ज़रूरत है नहीं, पर फटाफट से पहले तो मैं यार खुद को हील करता हूँ, मेरी को एनर्जी बहुत ख़त्म हो चुकी है, मेरी हेल्थ बहुत कम है, मेरे को पहले खुद को हील करना होगा। और मैंने हील कर लिया है ऑलरेडी, अपन ने 4 प्लाज्मा जनरेटर कलेक्ट कर लिया, अपने को 5 ही चाहिए थे। तो ये लास्ट तोड़ते हैं और गाइस निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बिजलियाँ गाइस अपने को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। एक एक्स्ट्रा प्लाज्मा जनरेटर रख लिया अपन ने यार, चलो खैर कोई काम आ जाए तो। पर यार अपने बैग में ज़्यादा जगह भी नहीं बची। सो यार गाइस अपन ने फाइनली 5 प्लाज्मा जनरेटर को कलेक्ट कर लिया है। सो गाइस यार इस वाले पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर मेरे से बात करनी है तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक दे दूंगा, वहां से आप सर्वर ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ।